वेलकम सभी साथियों को नमस्कार। अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत अभिनंदन। आज हम लोग एक और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे, वो प्लाज्मा और वो आपकी सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देखेंगे इसको खोजा किसने, ये हमारे के आर पोर्टर एंड थॉमस 1945 में उन्होंने खोजा और 6 साल के बाद 1951 में इसके लिए, इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो इनका ये के आर पोर्टर साहब ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की और हम जानते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से फैला होता है। एंडो का क्या मतलब है? एंडो का मतलब इनसाइड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है कि साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क, यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनस नेटवर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्लाज्मा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस का एक नेटवर्क होता है और सबसे लॉन्गेस्ट मेम्ब्रेन होती है। और ये भी याद रखने की जरूरत है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चारों तरफ से पैक होता, बंद होता है, इसके ऊपर साइटोप्लाज्म रहता है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, एक पॉलीथीन का अगर हम बैग लें, उसको चारों तरफ से अगर हम चेन से बंद कर दें तो अंदर से वो खोल है, और उसको किसी बर्तन में रख दें, ऊपर से पानी डाल दें, तो क्या हुआ कि ये जो खोल है, झोला हमारा बैग एंडो, ये प्लास्टिक पॉलीथीन का, उसके ऊपर पानी तैर रहा है, यानी साइटोप्लाज्म ऊपर है, नीचे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन का नेटवर्क पूरी साइटोप्लाज्म फैला हुआ है और वो चारों तरफ से बंद है, कहीं से ओपन नहीं है। साइटोप्लाज्म इसके ऊपर तैर रहा है और साइटोप्लाज्म के अंदर पूरी तरह से मेम्ब्रेनस नेटवर्क है। कभी कभी इसमें सवाल भी आता है कि सबसे लॉन्गेस्ट मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन कौन सी होती है सेल में, तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका नेटवर्क पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। इसको अगर हम देखेंगे कि ये जितने भी यूकेरियोट सेल है सभी के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसका कंपोनेंट देखेंगे, इसके 3 कंपोनेंट है, सिस्टर्नी, वेस्किल्स, ट्यूबुल्स, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, सिस्टर्नी, वेस्किल्स, ट्यूबुल्स। और इसको हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 3 तरह से होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 3 टाइप्स के इसके होते हैं। और इसके कंपोनेंट 3 हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबुल्स। इसको हम डिटेल से समझने के लिए हम स्ट्रक्चर का इसका सहारा लेंगे। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इसकी ओरिजिन जो है वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर वाल, आउटर एनवलप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति होती है, वहीं से ओरिजिनेट होती है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हुई पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म फैली रहती है। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम अगर हम देखेंगे तो ये हमारा स्मूथ, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात करूं अगर, तो ये आउटर वाल के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर वाल से शुरू होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और पूरा का पूरा ये साइटोप्लाज्म फैला होता है और आपस में कनेक्ट होता है। और इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा अगर करेंगे तो इसी ट्यूब के ऊपर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम अटैच होता है, इसीलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जितने भी ट्यूब होते हैं वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर हम इसी तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा करें
तो रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा करेंगे, तो यहीं से कनेक्शन होता है। इसको हम इस तरह से अगर हम समझें, ये हमारा न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये हमारी इनर है, ये आउटर है। आउटर मेम्ब्रेन से यहां से ये हमारा चलता है, और ये दूसरी है, ये देखें, और इसी बीच में एंडो राइबोसोम्स अटैच रहते हैं चारों तरफ से। एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके आउटर वॉल से इसका ओरिजिनेशन शुरू होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए पूरे साइटोप्लाज्म में फैला है और आपस में कनेक्ट है, अनब्रांच्ड है, इसमें ब्रांच नहीं है, और राइबोसोम इसी की वाल पे अटैच है, चारों तरफ से इसकी वाल अटैच है। इसी राइबोसोम के अटैच के नाते इसको हम रफ नाम देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम चर्चा करेंगे तो यहीं से ये भी स्ट्रक्चर चलता है स्मूथ वाला, ये आप देखेंगे, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता है, इसीलिए इसको स्मूथ कहते हैं। ये ब्रांच होती है, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर यही है कि इसकी ट्यूब जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब होती है ब्रांच, वो हम ये ब्रांच होती है, ये अनब्रांच्ड होती है, ये ब्रांच्ड होती है, और ये भी आपस में मिली हुई होती है। देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब आपस में मिले हुए, गुथे हुए आपस में। इस फिगर से इसको हम और स्पष्ट चर्चा कर लेंगे। शुरुआत में हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपस में कनेक्ट है, इसकी वाल पे राइबोसोम लगे हुए हैं, अटैच है, इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम सिस्टर्नी नाम देंगे, और इसी के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रांच्ड है और इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, इसीलिए इसको हम ट्यूबुल्स कहते हैं। यानी जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्नी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ट्यूबुल्स कहते हैं। देखिए ये जो ट्यूबुल्स की चर्चा हुई, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, सिस्टर्नी जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूबुल है, ये अनब्रांच्ड है और स्मूथ वाला ब्रांच्ड है। बेसिकल्स जो हमारा है, जो ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बात हो गई, तीसरा वाला टाइप जो होता है, ये इसी का जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लास्ट कबिन, और सिस्टर्नी जो होती है इसका ये लास्ट का जो बड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहीं से वेसिकल्स का निर्माण होता है। तो हमारा ये सिस्टर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, आपस में सभी कनेक्ट हैं, राइबोसोम इसके ऊपर अटैच्ड है, ट्यूबुल्स ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ब्रांच्ड है, इसकी वाल पर राइबोसोम्स नहीं है, और इसका लास्ट का जो बड लाइक स्ट्रक्चर है, चाहे वो ट्यूबुल्स का हो चाहे वो सिस्टर्नी का हो, इसको हम ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये तीन तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, एक तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इस रफ वाला है इसको हम सिस्टर्नी बोल देंगे, जो स्मूथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है इसको हम ट्यूबुल्स बोल देंगे, और राइबोसोम जो अटैच है इसीलिए इसको हम रफ बोल देते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, साइटोप्लाज्म इसके ऊपर रहता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। इसके अंदर जो एंजाइम्स और हार्मोन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हार्मोन्स है, इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्मूथ और रफ की जो स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म फैले रहते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह से हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, यहीं से खुलता है। ये न्यूक्लियर स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इसी स्पेस में ये खुलती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से। बकिया ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये पैक है। न्यूक्लियर पोर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन है और यहीं से किसी तरह का कोई मैसेज जब आना होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियोप्लाज्म से होते हुए न्यूक्लियोपोर के अंदर से होते हुए हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रवेश करता है। तो इस तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आप देखेंगे पूरे के पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है और इसको सपोर्ट किया रहता है सेल को, और राइबोसोम इसी के ऊपर अटैच रहते हैं। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर जो इसकी वाल पर राइबोसोम अटैच है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। राइबोसोम ऐसे भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए न्यूक्लियर से मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर स्पेस से होते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा और ये राइबोसोम से अटैच होकर के जिस तरह का इसको सिग्नल रहेगा उसी तरह की प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन की सिंथेसिस करके ये जो हमारे ट्यूब्स के अंदर स्पेस है इसे में इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद लास्ट में यहाँ पर ये जो हमारा एंजाइम्स है या हार्मोन्स जो भी यहाँ पर बनेगा ये एक मेम्ब्रेन के रूप में कलेक्ट होकर के चारों तरफ से घिर राउंडेड हो जाएगा एक एनवेलप में और वेसिकल्स के रूप में ये बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म। यानी प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होगी, प्रोसेसिंग इसकी एंडो ये ट्यूबुल्स जो सिस्टर्नी है इसके अंदर होगी। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद जो सिस्टर्नी का स्पेस है इसमें इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होकर ये एंजाइम्स सिस्टर्नी के लास्ट के बड पिंड में आएगा जिसको हम ट्रांजिशनल स्टेपाजियो रेटिकुलम बोलते हैं। यहां पर वेसिकल्स के रूप में ये बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म। ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क है। उसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चूंकि राइबोसोम नहीं है यहां पे क्या होगा लिपिड्स और स्टेरॉइड का सिंथेसिस होगी। इसकी वाल पे होगी सिंथेसिस, सिंथेसिस होने के बाद इसके स्पेस में आएगा, स्पेस में इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद वेसिकल के रूप में फिर ये साइटोप्लाज्म के बाहर आ जाएगा। यानी वेसिकल्स जो है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो रहा है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो रहा है, क्योंकि वेसिकल है एक प्रकार का ये राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें जो सिंथेसिस होती है प्रोटीन की या लिपिड्स की वो घिरी हुई होती है वेसिकल्स के रूप में बन करके साइटोप्लाज्म में आ जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिंथेसिस होती है वो लिपिड और स्टेरॉइड्स की होती है। मेज डिफरेंस जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मेजर डिफरेंस है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करती है क्योंकि यहां पर राइबोसोम है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करके सिस्टर्नी के स्पेस में प्रोसेसिंग होकर के बाहर जब निकलेगी तो ये जो रहेगा एंजाइम्स इसको हाइड्रोलोज एंजाइम कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारे यहाँ हमारे बॉडी में पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के अंदर ये एक्टिव होती है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रीट करके वेसिकल्स के रूप में ये बाहर करती है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलेज एंजाइम बनाते हैं कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि इसके विपरीत स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस होती है। ये सिंथेसिस जब होगी सिंथेसिस होने के बाद इसकी ट्यूबुल्स की स्पेस में आएगी प्रोसेसिंग होकर के फिर वेसिकल के रूप में बाहर आ जाएगी। तो वेसिकल का निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो रहा है, क्योंकि ये जो सिंथेसिस होती है उसकी ये वेसिकल्स के रूप में बंद होकर के साइटोप्लाज्म को बाहर आती है। इसका जो हार्मोन है वो स्टेरॉइड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एड्रेनल ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर है वो इसका हार्मोन स्टेरॉइड्स होता है, लिपिड नेचर होता है। लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जितने होते हैं इसका नेचर जो है वो प्रोटीन का होता है। तो ये प्रोटीन लिपिड्स का नेचर का स्टेरॉइड हार्मोन होता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोटीन्स नेचर के बनाते हैं। ये दोनों में अंतर है, स्मूथ
और रफ, ये पूछा भी जाता है कि ये जो एंजाइम्स बनते हैं जो सिंथेसिस प्रोटीन की होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारा राइबोसोम राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है, जबकि स्मूथ में हमारा स्टेरॉइड हार्मोन बन रहे हैं, लिपिड नेचर के बन रहे हैं, एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड्स, लीवर, ये सब जो है स्टेरॉइड्स हार्मोन्स एंजाइम्स बनाते हैं। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में अंतर है। मैसेज जो आएगा सिग्नल्स मैसेंजर आरए के रूप में न्यूक्लियोपोर्स पोर से होकर के न्यूक्लियर स्पेस में आएगा, न्यूक्लियर स्पेस से होते हुए ये सिस्टर्नी के अंदर आएगा, सिस्टर्नी की वाल पे हमारे जो है वो बने हुए हैं राइबोसोम्स, उससे ये मैसेंजर आरए अटैच होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद ये इस स्पेस में आ जाएगा सिस्टर्नी स्पेस में, सिस्टर्नी स्पेस में इसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर यहाँ करके जो हमारा ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको बड लाइक स्ट्रक्चर है, लास्ट में यहाँ पर बेसिपिल का फॉर्मेशन होगा जिसमें ये हमारा एंजाइम्स कलेक्ट होगा और ये बेसिकल रूप में बन करके साइटोप्लाज्म के बाहर आ जाएगा। उसी तरह से हमारा स्मूथ वाला है, यहाँ पे भी लिपिड्स और स्टेरॉइड्स नेचर के सिंथेसिस होगी इसकी वाल पे और इसके स्पेस में आ जाएगा ट्यूबुल्स के, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और ये बड में आ जाएगा लास्ट पॉइंट पे जो हमारा ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ वेसिकल्स वेसिकल्स के रूप में ये हार्मोन्स कलेक्ट हो जाएगा और ये साइटोप्लाज्म के ऊपर आ जाएगा। तो ये वेसिकल्स जो हमारे हैं वो दोनों साइड में बन रहे हैं, चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो, इसी वेसिकल्स में एंजाइम्स या हार्मोन्स कलेक्ट होते हैं जो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। अभी ये यूज नहीं होगा, ये सीधे गॉल्गी ऑपरेटर्स में जाएगा, गॉल्गी ऑपरेटर्स या गॉल्गी बॉडी में इसकी फिर से प्रोसेसिंग होगी और वहां पर इसकी पैकेजिंग होगी, फिर वहां से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले जितने भी एंजाइम्स या हार्मोन्स हैं वो चाहे स्टेरॉइड नेचर के हों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, चाहे प्रोटीन के नेचर हो हाइड्रोलेज हो, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, वेसिकल्स के रूप में ये साइटोप्लाज्म में आएंगे, साइटोप्लाज्म के माध्यम से ये गॉल्गी ऑपरेटर्स में जाएंगे, वहां पे इसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद इसकी पैकेजिंग होगी, फिर इसके बाद सेल के अंदर या सेल के बाहर जहां आवश्यकता होगी ये यूज इसका यूज किया जाएगा। अगर सेल के अंदर इसको आवश्यकता है तो वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी, सेल से बाहर अगर इसकी नीड्स है सेल को जरूरत है बॉडी को तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू होकर के सेल से बाहर जाएगी। ये हमारा मेजर डिफरेंस है प्रोटीन सिंथेसिस की या लिपिड सिंथेसिस की स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम देख रहे हैं कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी ऑपरेटस या गॉल्गी बॉडी आपस में इंटरकनेक्ट है, ये वर्क में आपस में इंटरकनेक्टेड है। गॉल्गी बॉडी के चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग जो होगी कुछ पार्शियली हार्मोन्स एंजाइम्स की प्रोसेसिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, यहां से फिर ट्रांसफर गॉल्गी ऑपरेटर्स में होता है, वहां पे फिर से इसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होती है, फिर यह जाकर के यूज हो पाता है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी ऑपरेटर्स दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है वर्क में। एक बार फिर इसको हम स्ट्रक्चर को वर्क को समराइज कर देते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीन कंपोनेंट है इसके, सिस्टर्नी वेसिकल्स ट्यूबुल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर वॉल से ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं जो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैली होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, और इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होता है, ये हम हमारा जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक उसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपस में ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड होती है, आपस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर के ये ब्रांच के रूप में साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम होने के नाते न्यूक्लियस से सिग्नल पाने के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इसमें हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, ये एंजाइम्स बनने के बाद वेसिकल्स के रूप में बाहर आ जाते हैं। उसी तरह से हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स और स्टेरॉइड नेचर के एंजाइम्स की प्रोटीन सिंथेसिस होती है,
सिंथेसिस होने के बाद ये इसके ट्यूबुल्स के अंदर इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद वेसिकल्स रूप से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की नेचर के एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाता रहता है, एक स्टेरॉइड दूसरे हाइड्रोज। वेसिकल्स रूप से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद साइटोप्लाज्म के माध्यम से गॉल्गी ऑपरेटस में जाएंगे, वहां पर इसकी प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी, फिर सेल के अंदर या सेल के बाहर इनका यूज किया जाएगा। दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ। हमने सिस्टर्नी वेसिकल्स दोनों बता दिया, सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, ट्यूबुल्स हमारा स्मूथ में है, और वेसिकल्स जो है दोनों फॉर्मेशन होता है, वेसिकल फॉर्मेशन दोनों में होता है, चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे हमारा रफ हो, क्योंकि दोनों सिंथेसिस हो रही है, दोनों वेसिकल्स रूप में मेम्ब्रेन से बंद करके बाहर आ जाएंगे। दीज आर दी स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होकर निकलती है, ये हमारा हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में मेजर। अब थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे, फंक्शन देखेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये लिपिड एंड स्टेरॉइड्स कौन बना रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी सिंथेसिस हो रही है, चूंकि वहां पर राइबोसोम नहीं है, वो सिंथेसिस जो होगी स्टेरॉइड्स और लिपिड्स नेचर के बनाएंगे, स्पेशली हमारे लीवर और एड्रिनल ग्लैंड जो में जो हार्मोन्स बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करता है। उसी तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, क्योंकि राइबोसोम सिस्टर्नी के ऊपर लगे हुए हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, प्रोसेसिंग होगी, वेसिकल्स रूप में बाहर आ जाएंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है, प्रोटीन बनाता है, ये हाइड्रोलेज एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियास के अंदर ये बनता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरेज और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के स्टोरेज का भी काम करते हैं। चौथा है इसका इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर, सेल के अंदर अगर एंजाइम्स या हार्मोन्स की जरूरत होगी तो उसका इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। हमने बताया वेसिकल्स रूप में निकलते हैं, सेल के अंदर जहां आवश्यकता होगी वो सीधे ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं, और सेल के बाहर अगर जाना होगा तो गॉल्गी ऑपरेटर्स में जाएगा, वहां पे पैकेजिंग और प्रोसेसिंग होने के बाद सेल से बाहर जाएगा। सेल के अंदर तो यूज हो जाएगा लेकिन सेल से बाहर के लिए पैकेजिंग होगी। डिटॉक्सिफिकेशन का एक काम है, जो भी हमारे यहां टॉक्सिक चीजें सेल के अंदर बनती हैं मेटाबॉलिज्म के केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो जितने भी टॉक्सिक मैटर्स बनते हैं उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। ओरिजिनेट बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर दिया है कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति होती है, ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर के रूप में, स्मूथ और रफ के रूप में पूरे के पूरे सेल में साइटोप्लाज्म फैले होते हैं, और ये इनका मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है सेल का, और पूरे सेल में फैला रहता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। फिर से मैं लास्ट में बता दूं, इसकी डिस्कवरी किसने किया, कि पोर्टर साहब ने किया। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है, वेसिकल्स ट्यूबुल्स क्या है, ये सब मेन चीजें इसमें है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आशा विश्वास है कि आप ठीक से समझे होंगे, पढ़े होंगे, बुक्स एक बार स्टडी करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लगातार अगर आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, चिंतन मनन करते रहेंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।